हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ आज हम बात करेंगे बैलास्टिन और मोंटेल्यूकास्ट दवा के बारे में। आज हम इस वीडियो में बैलास्टिन और मोंटेल्यूकास्ट इस दवा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये दवा किसको दी जाती है, किसको नहीं दी जाती है और इसके मुख्य कार्य क्या हैं और इसके ब्रांड नेम और इसके साइड इफेक्ट, तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैलास्टिन और मोंटेल्यूकास दवा एक क्लास से संबंध है जिसे एंटी एलर्जी दवा कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से छींकने, नाक बहने, नाक बंद होने, बंद नाक या आंखों से पानी आने जैसी एलर्जी स्थिति के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। एलर्जी एक ऐसी सिचुएशन है जो तब होती है जब इम्यून सिस्टम की फॉरेन सब्सटेंस पर रेस्पॉन्स करती है जो आमतौर पर आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। इन फॉरेन सब्सटेंस को एलर्जी के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों को कुछ खाद्य पदार्थ और एलर्जी के कारण बुखार या पालतू जानवरों की रूसी जैसी मौसमी एलर्जी से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के मुख्य लक्षणों में से एक खांसी है जो गले में एक रिफ्लेक्स क्रिया के रूप में कार्य करती है। जब बलगम या इरिटेशन या फॉरेन इरिटेशन सांस तंत्र में सांस नली में प्रवेश करता है और खांसी और सांस फूलने जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं इन दोनों दवाइयों को मिलाने का कारण क्या है और दोनों दवाइयाँ किस तरीके से काम करती हैं। बैलास्टिन मोंटेल्यूकास्ट दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। मोंटेल्यूकास्ट ल्यूकोट्रेनाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बैलास्टिन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। मोंटेल्यूकास्ट ल्यूकोट्रेनाइन रिसेप्टर एंटी के क्लास से संबंध है जो फेफड़ों से निकलने वाले ल्यूकोट्रेनाइन नामक केमिकल को ब्लॉक करता है, जिससे सूजन यानी कि स्वेलिंग होती है और वायु मार्ग में सांस नली में बलगम का उत्पाद बढ़ जाता है। इस दवा के प्रयोग से नली की सूजन, बलगम और जकड़न कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर तरफ है बैलास्टिन एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक दवा के क्लास से संबंध है जो एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामिन की क्रिया को ब्लॉक्ड करके काम करता है, जो एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पदार्थ है। ये एलर्जी के लक्षण जैसे छींक आना, नाक बहना, आंख से पानी आना, खुजली, सूजन, जमाव या जकड़न जैसे राहत दिलाने में मदद करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि किन लोगों को ये दवा नहीं दी जाती है और अगर लेते भी है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार दी जाती है। तो यहाँ पर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं या 12 साल से कम उम्र के बच्चे को और किडनी या लीवर की समस्या से ग्रस्त है तो इस दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता है डॉक्टर द्वारा। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ यहाँ पॉपुलर नाम भी जान लेते हैं। तो ये आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ये कुछ पॉपुलर नाम हैं। यहाँ इसके कुछ स्ट्रेंथ भी जान लेते हैं। तो बैलास्टिन 20 mg और मोंटेल्यूकास 10 mg में आता है। बैलास्टिन और मोंटेल्यूकास दवा को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है ये तो आप सभी जान चुके हैं। ये एक एंटी एलर्जिक कंडीशन की दवा है जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। तो रेनाइटिस, इसके साइड इफेक्ट हैं रेनाइटिस, सर दर्द, खुजली, पित्ती या पेट में दर्द या पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो सकती हैं। अगर इस तरीके के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो इस दवा को रोक कर अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।